हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं किचन में आई हूँ डिनर बनाने, क्योंकि आज रात को मुझे कुछ दूसरे काम है घर का करना, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं जल्दी से पहले डिनर बना लूँ तो मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगी। और शाम को इस विंडो से सनसेट इतना खूबसूरत दिखता है, तो जब भी मैं इस टाइम में कुकिंग करने आती तो मेरे लिए एडेड बोनस रहता है कि बाहर ब्यूटीफुल सनसेट देखते देखते अब काम करो। और अभी थोड़ी देर पहले हाउस हेल्पर ये सारे यूटेंसिल्स क्लीन करके गई है, तो उसको भी ड्राई करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसी बीच मैंने सारा चॉपिंग भी कर लिया है, प्याज, हरी मिर्च, फूल गोभी, बीन्स, क्योंकि आज बना रही हूँ मैं वेजिटेबल्स टू। और चॉपिंग करते करते ही मैं देख रही थी कि सनसेट ऑलमोस्ट होने को है, और जब तक मैं काम शुरू कर रही थी 15 मिनट के अंदर सनसेट हो भी गया, तो इसलिए अब वापस से लाइट जला के काम कर रही हूँ। तो अभी सबसे पहले बनाएंगे वेजिटेबल स्टू। उसके लिए मैंने कढ़ाई में ऐड किया है रिफाइंड ऑयल, और उसमें अब मैं ऐड करूँगी मस्टर्ड सीड्स। जब थोड़ा सा स्प्लटर करने लगे मस्टर्ड सीड्स, अब मैं ऐड करूँगी कड़ी पत्ता, और वो भी बहुत सारा। मुझे कड़ी पत्ता कोई भी चीज़ में डाल के खाना बड़ा अच्छा लगता है, चाहे वो सांभर हो, पोहा हो, तो इस टाइप की चीज़ों में अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट में डालती हूँ तो उसका जो टेस्ट है मुझे लगता है कि और एनहांस हो जाता है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज और हरी मिर्च। इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है, बट प्याज को ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा जब ट्रांसलूसेंट होने लगे तब मैं सारे वेजीज भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है फूल गोभी, बीन्स और आलू। इनको मैं 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम में फ्राई कर लूँगी, और साथ में ऐड करूँगी सॉल्ट, और मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर, और उसके बाद इसको मैं कवर करके तब तक कुक करूँगी बिल्कुल लो फ्लेम में, जब तक कि ये अच्छे से कुक ना हो जाए सारे पोटैटो, बीन्स और फूल गोभी। जब तक हमारा वेजिटेबल स्टू कुक हो रहा है तब तक मैं ये खोल लूँगी पैकेट। तो ये है इडियप्पम का पैकेट जो कि मैंने फ्रेश टू होम से मंगवाया था। फ्रेश टू होम से ही हम लोग अपना सारा नॉन वेज फूड आइटम्स ही मंगवाते, तो मैंने देखा था कि कुछ दिन पहले ही इन लोग ने इडियप्पम का ये पैक लॉन्च किया है। एक पैकेट में 5 इडियप्पम्स होते हैं, तो इनको अब मुझे करना है स्टीम, जिसके लिए अब मुझे स्टीमर को सबसे ऊपर वाले शेल्फ से उतारना पड़ेगा। तो अभी वही स्टूल पर चढ़ के मैं स्टीमर को उतार रही थी। तो यहाँ पे हमारे सारे वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो चुके हैं, तो यही है करेक्ट टाइम ऐड करने का कोकोनट मिल्क। तो यहाँ पे मैं डाबर का रेडीमेड कोकोनट मिल्क ऐड कर रही हूँ, और साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि सिर्फ अगर मिल्क ऐड करेंगे तो बहुत गाढ़ा हो जा रहा था, तो ये वेजिटेबल स्टू थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है मुझे। तो बस अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके थोड़ा सा और कुक कर लूँगी, और इसी से हमारा एकदम साउथ इंडियन स्टाइल वेजिटेबल स्टू रेडी हो जाएगा। इडियप्पम को अब मैंने स्टीम करने के लिए रख दिया है करीब 5 मिनट के लिए, और इसके बाद अब मैं बनाऊंगी डोसा। तो मेरे पास थोड़ा सा डोसा बैटर पहले से रखा हुआ था, तो अब मैं इसको पतला करने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, और ऐड करूँगी नमक, और इनको अब बस फ्राई कर लेना है। तो ये हमारा साउथ इंडियन स्टाइल डिनर इज़ रेडी, वेजिटेबल स्टू इन कोकोनट मिल्क, इडियप्पम और प्लेन डोसा। एक्चुअली हम लोग जब बर्ड फोटोग्राफी करने जाते थे, तो वंस वी हैड गॉन टू थाट्टेकड़ केरला में, वहाँ पे बर्ड्स के पिक्चर्स लेने हस्बैंड गए थे, तो वहाँ पे हम लोग एक रिजॉर्ट में रहते थे, सोमा बर्ड्स लगून। तो वहाँ पे ही फर्स्ट टाइम मैंने इडियप्पम खाया था। आई थिंक बचपन में कभी खाया होगा, बट ऑन द होल मुझे उतना याद नहीं था, तो फर्स्ट टाइम मैंने, जहाँ तक मुझे याद था, मैंने वहीं पे खाया था, एंड आई लव दैट डिश। तो जब हम लोग आई थिंक 3 या 4 दिन वहाँ पे रहे थे, एंड एवरी मॉर्निंग आई यूज़ टू हैव दिस ओनली एज ब्रेकफास्ट। मुझे अभी भी याद है, उनके मैनेजर थे कुछ जोसेफ करके, तो मैंने उनको यही बोला था कि जब तक हम लोग हैं मॉर्निंग में आप मुझे यही दीजिएगा।
अभी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और वैसे तो मैं अर्ली राइजर नहीं हूँ, बट जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो फ्रेश होने के बाद हिया के इस वाले बालकनी में आती हूँ जो कि कॉर्नर फेसिंग बालकनी है। तो सुबह सुबह इतना ज़्यादा ग्रीनरी देखना, आसमान देखना, और आसपास के लोग वॉक कर रहे हैं कोई, या फिर सामने से स्कूल बस जा रहा, तो ये पूरा नज़ारा सुबह सुबह देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई ट्राई टू डू दिस थिंग रेगुलरली एवरी डे एवरी मॉर्निंग, तो बहुत ही प्लेजेंट शुरुआत होता है दिन का मेरे इस व्यू के साथ। अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में ब्रेकफास्ट बनाने, तो आज बनाऊंगी वेज साबूदाना। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने प्याज, हरे मिर्च और कड़ी पत्ता, जो कि मैंने बोला था कि काफ़ी सारा फ्रिज में रखा है तो उसको यूज़ भी करना है, तो कड़ी पत्ता, नींबू, फिर पीस, कॉर्न, टमाटर, इन सबको चॉप कर लिया है। रात को ही मैंने साबूदाना को भिगो दिया था। तो अभी ऐड कर रही हूँ तेल में जीरा, हरे मिर्च और करी पत्ता, और इनका थोड़ा फ्राई कर लेने के बाद ऐड करूँगी प्याज। प्याज फ्राई हो जाएगा फिर सारे वेजीज ऐड करूँगी अलॉन्ग विद द टमाटर, फिर नमक ऐड करके कवर कर दूँगी, और जब मटर और कॉर्न थोड़ा सा पक जाए अच्छे से फिर मैं ऐड कर दूँगी साबूदाना। बस इनको फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है, और लास्ट में सर्व करने से पहले ऐड करूँगी थोड़ा सा नींबू का रस। और साथ में सुबह का टाइम हो और ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो तो चाय बनेगा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जब तक मैं साबूदाना बना रही थी तो साथ साथ इंडक्शन में चाय भी चढ़ा दिया था। तो आज का यही ब्रेकफास्ट है, वेज साबूदाना अलॉन्ग विद सम हॉट पाइपिंग टी इन द मॉनसून सीज़न। बहुत दिनों से मैं हबी को बोल रही थी कि अपना जो ऑफिस एरिया है उसको थोड़ा क्लियर करे, तो काफ़ी साल से ये एक्स्ट्रा पेपर्स उनके पड़े हुए थे जो कि ऑफ नो यूज़ है, तो इनको अब मैं वही थोड़ा सा टेयर ऑफ करके डिस्पोज ऑफ करूँगी। तो नए घर के रिनोवेशन होने से एक और फ़ायदा तो मैंने देखा है कि घर साफ तो बहुत अच्छे से हो गया, इन द सेंस कि ऑफिस एरिया जो हमारा है वो मैं ज़्यादा कुछ क्लियर खुद से कर नहीं पाती थी, क्योंकि हर बार मुझे डांट पड़ जाती थी कि अरे तुमने मेरे इंपॉर्टेंट कागज़ हटा दिया है, या फिर तुमने मेरे यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे थे उसको इधर उधर कर दिया है। अभी है आफ्टरनून का टाइम, लंच मैंने ले लिया है, और अभी थोड़ी देर पहले ही आया था अमेजोन से एक पार्सल, तो कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आई थी तो मुझे लगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं, और साथ में ये भी बताऊं कि मैं लास्ट ईयर प्रॉपरली क्यों रेगुलर नहीं थी, और अब मैं फ्यूचर में क्या प्लान कर रही हूँ कि मैं किस तरह से रेगुलर हो पाऊँ। तो ये सारा मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी, बट उससे पहले कुछ प्रोडक्ट दिखाती हूँ। एक्चुअली एक दिन मैं अमेजोन में ही सर्च कर रही थी मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि हम लोग मस्टर्ड ऑयल ही ज़्यादा कुकिंग में यूज़ करते हैं, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या ऑर्गेनिक ऑयल्स, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स बहुत ही इन में है, बट ये मुझे कई बार लगता था कि प्रॉपर अगर किसी बड़े कंपनी का ना हो तो कितना रिलायबल है या नहीं है, वो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता था। बट लकीली क्योंकि मैं टाटा के काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, वो टाटा ने ही ये लॉन्च किया है, टाटा सिंपली बेटर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। तो ये तो मैंने उन्हीं का 100% प्योर एंड अनरिफाइंड कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल मंगवाया है। ये इनके और भी काफ़ी सारे वेरियंट्स है, पीनट ऑयल देखा है मैंने, राइस ब्रैन ऑयल देखा है, तो अब मैं फिर रिफाइंड ऑयल जो मैं जनरली यूज़ करती हूँ फॉर फ्राइंग वो भी रिप्लेस करूँगी इसके साथ, टाटा का ही राइस ब्रैन लूँगी कोल्ड प्रेस्ड वाला, बट पहले इसको ट्राई करती हूँ। तो ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब पैकेजिंग भी पूरा, ये 1 लीटर का है, और अगर बाय चांस आपके पास अगर ऑयल कंटेनर एज सच नहीं है तो वी कैन वेरी वेल यूज दिस ओनली एज अ कंटेनर, ऑयल कंटेनर। एक लाइन में कमांड के हो, एक तो जाएगा एक इस वाले बाथरूम के वाइपर के लिए, और दूसरा मैं ये जो पीछे ये वाला जो कबर्ड है वहां पे एक हुक इसका लगाऊंगी मच्छरदानी लगाने के लिए, और तीसरा ये बड़ा काम का चीज है। अभी मेरे पास इतने सारे टाइल्स हो गए हैं, ड्राई टाइल्स, सारे बालकनीज में मैंने इस पर टाइल्स लगा दिया है, तो उनको क्लीन करने के लिए या फिर ऊपर काफी कुछ सामान उनको क्लीन करने के लिए मुझे ऐसे हैंडल वाला ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ का ब्रश चाहिए था, तो ये तो ऐसे इलोंगेट अगर करना चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं,
तो ये अगर आपको चाहिए तो आपको सिर्फ अमेजोन में लिखना है कि डस्टिंग ब्रश, तो ये सारा इस टाइप का आ जाएगा। तो अब चलते हैं काम की बात करने की, मैं इतने दिनों तक गायब क्यों थी और मैं फ्यूचर क्या सोच रही हूँ यूट्यूब को लेके। तो क्योंकि ये पूरा साल ही मैंने काफ़ी ज़्यादा पब्लिक वर्क किया अपने सोसाइटी का, और उसके साथ साथ रेनोवेशन भी चल रहा था मेरे इस फ्लैट का, तो ये टोटलिटी में कुछ ज़्यादा ही मैं एंगेज हो गई थी ऑफलाइन, जिस वजह से यूट्यूब काफ़ी सफ़र कर गया। और अलॉन्ग विद द पब्लिक वर्क या सोशल वर्क के साथ साथ मैं परफॉर्मेंसेस भी दे रही थी, तो कुछ कुछ तो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है इस चैनल में, बट ज़्यादातर मैं कुछ कर नहीं पाई। इनफैक्ट रिसेंटली भी एक मैंने परफॉर्मेंस दिया है, मैं अपने परफॉर्मेंसेस के वीडियो शूट नहीं करा पाई, बट अब धीरे धीरे उसको भी अच्छे से मुझे प्लान करना पड़ेगा। तो इस साल भी आई थिंक आई विल बी इन्वॉल्व इन मेनी ऑफ द सोसाइटी रिलेटेड वर्क, बट रेनोवेशन का तो काम एटलीस्ट खत्म है, तो उसकी तो टेंशन नहीं है। तो कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट हफ्ते में 2 वीडियो तो जरूर डालूं मिनिमम, और ज्यादा हो पाए तो और अच्छा। घर में रह के हमने रेनोवेशन किया तो इसलिए थोड़ा ज्यादा ही हॉटस्पॉट टाइप चल रहा था लाइफ, बट एनी हाउ पूरा घर, सारे बाथरूम, एवरीथिंग हैज बीन डन, और मैं धीरे धीरे सभी के टूर एंड ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इन कमिंग फ्यूचर। जैसे कि इस वीडियो के बाद ही मैं शूट करूंगी मेरा न्यू पूजा रूम। बहुत मन था कि एक प्रॉपर रूम होना चाहिए पूजा एंड मेडिटेशन के लिए, तो वो इस बार मैं एकदम दिल खुश होके एक बना पाई। करते हैं आज का वीडियो एंड, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। एंड जाने से पहले एक रिमाइंडर जरूर दूंगी कि डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलूंगी फिर बहुत ही जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।